देखे अदनान साहब, 7-3-4 रोज से हॉस्टल वापस ही नहीं गया। इस बात का मुझे इल्म नहीं था। प्रिंसिपल साहब, मेरा बेटा 2-3 दिन से गायब है और आप में से किसी ने मुझे बताने की जहमत तक नहीं की। अदनान साहब, साद इससे पहले भी 2-3 दिन के लिए गायब हो गया था और खुद ही वापस आ गया था। इसका मतलब है कि मेरा बेटा पहले भी गायब हुआ और आप में से किसी ने मुझे बताने की जहमत नहीं की। प्रिंसिपल साहब, मैं अपने बच्चे को आपकी जिम्मेदारी पे छोड़ के गया था यहाँ पे, और ये जिम्मेदारी नहीं भाई आपने। देखें अदनान साहब, लड़के इस उम्र में लापरवाह हो जाते हैं, आ जाएगा वापस, और फिर उसका दोस्त भी तो उसके साथ है, क्या नाम है उसका, फहद, दोनों ही गायब हैं। प्रिंसिपल साहब, इसका मतलब है आपके लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन मेरे लिए बड़ी परेशानी की बात है। साहब, बच्चे कहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। प्रिंसिपल साहब, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। मेरा बेटा जिला भर का टॉपर है और यहाँ पे एडमिशन भी उसको उसकी स्कॉलरशिप की बुनियाद पे मिला है। प्रिंसिपल साहब, मेरा बेटा उन जैसा नहीं हो सकता। अरे मुझे भी उसकी क्वालिटीज पता है, हम भी परवाह कर रहे हैं उसकी, देखते हैं उसको कहाँ गायब हो गया, आप भी कोशिश करें। जी अदनान साहब, फरमाइए क्या मसला है आपका। सर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा बेटा 3 दिन से गायब है और कॉलेज वालों के लिए ये बिल्कुल नॉर्मल केस है। अदनान साहब, हो सकता है कि वो अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने फिरने गया हो। नहीं सर, फहद और सानिया का भी कुछ पता नहीं चल रहा है। मैं सानिया के घर गया था मगर उसके घर को ताला लगा हुआ है, घर में कोई भी मौजूद नहीं है। ये सानिया और साद कौन है? जनाबी अली, ये मेरे बेटे साद के क्लास फेलोज हैं और अच्छे दोस्त भी हैं। फहद जो है वो साद के साथ हॉस्टल में ही रहता है और सानिया इसी शहर में रहती है। तीनों का आपस में एक दूसरे के घरों में भी आना जाना है, अच्छी अच्छे दोस्त है। अच्छा अदनान साहब, मुझे एक बात बताएं, आपको अपने बेटे के गायब होने की इत्तला कैसे मिली? जनाब अली, कुछ दिनों से मुझे अपने बेटे का फ़ोन नहीं आया था, मैं बहुत परेशान था। उसके बाद जो ही मैंने अपने बेटे को फ़ोन करना शुरू किया, उनका नंबर मुसलसल बंद जा रहा था। उसके बाद मैं घबरा के शहर आ गया और उसके बाद मैं हॉस्टल भी गया मगर हॉस्टल में भी उनकी कोई इत्तला नहीं है। नवीद जी, सर आप ऐसा करो, अदनान साहब की रिपोर्ट दर्ज करो और तीनों बच्चों के मोबाइल फोन ट्रेस आउट करवाओ। राइट सर। और हाँ, तुम सानिया के घर जाके पता करो, दाएं बाएं से पूछो कि वो कहाँ गए हैं। अदनान साहब, आप ऐसा करें, इनको अपने बेटे साथ की एक तस्वीर दे दें ताकि हम मजीद कार्रवाई कर सकें। जी मेरे पास है। राइट सर। सर, कुछ मेरे बेटे के बारे में पता चला? अदनान साहब, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आपका बेटा ना सिर्फ ड्रग्स लेता था बल्कि ड्रग्स सप्लाई भी करता था। सर ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरा बेटा पढ़ने लिखने वाला है, जरूर उसको कोई फंसा रहा है। अदनान साहब, उसे कोई नहीं फंसा रहा, बल्कि उसने बहुत से लोगों को फंसाया है मंशात की लत में। नहीं सर, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। मेरे बेटे ने मैट्रिक के एग्जाम में जिला भर में टॉप किया था और इस कॉलेज में उसको स्कॉलरशिप की बुनियाद पर दाखिला मिला था, और वो तो किसी से गैर जरूरी मिलता भी नहीं था, भला वो ऐसा क्यों करेगा? देखें अदनान साहब, आपकी बात ठीक है, लेकिन हमने भी इस केस का बड़ी बारीक बीनी से जायजा लिया है। कॉलेज की कंटीन के मुलाजम के साथ मिलकर वो ड्रग्स सप्लाई करता था, और जब हमने उस मुलाजम को पकड़ा तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया, और अब हमें तो आप पर भी शक हो रहा है कि कहीं आपने खुद अपने बेटे को गायब तो नहीं किया। सर ये कैसी बातें कर रहे हैं आप, भला मैं अपने बेटे को खुद कैसे गायब कर सकता हूँ? क्योंकि आप अपने बेटे को बचाना चाहते हैं। नहीं सर, शायद आप भूल रहे हैं
अपने बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट मैंने खुद आपके पास आके दर्ज करवाई थी। ये बात ठीक है, मगर हो सकता है तुमने गुमशुदगी की रिपोर्ट हमें गुमराह करने के लिए लिखवाई हो। सर, मेरा बेटा 15 दिन से गायब है और उल्टा उसका इल्ज़ाम आप मुझ पे ही लगा रहे हैं, भला मैं ऐसा क्यों करूँगा? देखिए अदनान साहब, आपकी मुसलसल निगरानी की जा रही है और आप कोई ऐसी हरकत या होशियारी मत कीजिएगा जिससे आपको या आपके बेटे की जान को कोई ख़तरा हो सके। सर, मेरा तावन हमेशा आपके साथ रहेगा, बस मेरा बेटा मुझे ज़िंदा मिल जाए। हम लोग अपना काम कर रहे हैं। कामरान, मैं सब जगह पता कर चुका हूँ लेकिन साल का मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। आप उसके सब दोस्तों का पता करो, जैसे ही कोई खबर मिले मुझे लाजमी बताओ, मैं बहुत परेशान। ठीक है, ठीक। साथ बेटा क्या हो गया तुझे? ये तूने अपनी हालत क्या बना दी? कहाँ था तू बेटा? तू कहाँ था? क्या हो गया तुझे? कहाँ से आया है? बाबा कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं ठीक हूँ। बेटा तुझे पुलिस ने कहाँ तलाश नहीं किया? और तेरी दोस्त सानिया की माँ का कत्ल हो गया है और पुलिस को तुझ पे शक है। आप बता, मुझे मर गई है वो। मर गई है? साथ बेटा तू क्या जानता है? मुझे सच सच बता, सच सच बता मुझे, तू क्या जानता है इस कत्ल के बारे में? बाबा मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे पैसे चाहिए, पैसे पैसे चाहिए पैसे। साथ बेटा पैसे जितने मर्जी ले लो लेकिन मुझे सच सच बताओ, सानिया की माँ के कत्ल के बारे में तुम क्या जानते हो? तुम्हारा इस कत्ल से क्या ताल्लुक है? मुझे सच सच बताओ। बाबा मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैं नहीं जानता, मुझे बस पैसे चाहिए पैसे। नहीं पैसे दूंगा तुझे ना हराम कामों के लिए, मैंने ऐसा कामों के लिए पैसा नहीं कमाया। निकल जा मेरे घर से। लगता है बच्ची को गला दबाकर कत्ल किया गया है। आप ये बताएं घर में और कौन कौन था? सर घर में कोई भी नहीं था, हम दोनों साथ वाली गली में पौधगी बन गए हुए थे। हम जब वापस आए तो मेरी बच्ची इस हालत में मिली मुझे। हौसले से काम ले जमान साहब, अल्लाह आपको सब्र दे। आप ये बताएं आपकी किसी के साथ कोई दुश्मनी, कोई लड़ाई झगड़ा? क्योंकि हो सकता है कि आपसे बदला लेने की खातिर उसने ये सब कुछ किया हो। सर मैं नौकरी पेशा इंसान हूं, मेरी वला किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? और कोई इतना जालिम कैसे हो सकता है कि तकलीफ देने के लिए मेरी बच्ची को इतनी बेदर्दी से कत्ल कर डाले? नहीं जमान साहब, हमारे इस मुआशरे में इतने बेस लोग मौजूद हैं जो बदले और नफरत की आग में इस कदर गिर जाते हैं कि कुछ भी कर गुजरते हैं, उन्हें बच्चों पर भी रहम नहीं आता। आप ये बताएं घर से कुछ गायब तो नहीं हुआ? सर हमारा तो सब कुछ लूट गया है, हमारी तो दुनिया ही उजड़ गई है, किसी ने घर से और क्या लेकर जाना है? सर ये सामने अलमारी का लॉक टूटा हुआ लगे। हाँ गुड, लगता है किसी ने जोर लगाकर खोला है इसको। इसमें पैसे पड़े हुए थे, इसकी तरफ तुम्हारा ध्यान ही नहीं गया। जैनब, मैंने तुम्हें 1,00,000 रुपए दिए थे, वो तुम्हें इसमें रखे थे ना? मैंने इसी में रखे थे। तो नहीं है इसमें। तो इसका मतलब ये है कि जिसने पैसे चोरी किए वो ही कातिल है।
फिक्र ही ना करें, इंशाल्लाह इस ड्यूटी को भी हम बड़े ऐसन तरीके से सर अंजाम देंगे सर। जी सर, प्लीज को हुकूमत ने जो भी ऑर्डर देना होता है हम तो उसके करने के पाबंद है ना सर। जी थैंक यू सर। सर ये सब कुछ आपकी गाइडनेस की वजह से ही है। जी सर। सर वो बच्ची का केस जो है अभी इब्तदाई मराहिल में है, जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ेगी मैं इंशाल्लाह आपको अपडेट करता रहूंगा सर। जी सर। जी जरूर, थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज सर। सर ये बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। गुड। एसपी साहब भी इस बच्ची के केस के बारे में पूछ रहे थे। अल्लाह का शुक्र है कि बच्ची के साथ नहीं हुआ। इसका मतलब है कि मामला सिर्फ चोरी का है। सर पैसे उसी कमरे की अलमारी में पड़े थे, इसका मतलब है कि कोई जानने वाला ही होगा, यानी दूसरे कमरों में कोई छानबीन नहीं हुई थी। तुम ठीक कह रहे हो। उस दिन बच्ची की बदकिस्मती के वो अपने कमरे की बजाय अपने वालदैन के कमरे में जाके सो गई। अगर वो अपने कमरे में सोती तो आज ये केस सिर्फ चोरी का होता, कत्ल का नहीं। सर मुझे तो लगता है कि ये किसी मोहल्लेदार का काम है जिसे मालूम था कि उस दिन घर में कोई नहीं। लेकिन उसे ये कैसे मालूम हुआ कि पैसे सिर्फ उसी अलमारी में पड़े हुए हैं? सर जी हो सकता है उसे किसी ने बताया हो। हाँ ये मामला भी हो सकता है। तुम एक काम करो, जमान और उसकी बीवी की CDR निकलवाओ ताकि पता चले कि दाल में काला कहाँ पे। जी सर मैं भी निकल जाता हूँ। ओके। क्या माँ ही थी अपनी? सर कोई सुराग मिला मेरी बेटी के कातिल का? देखे जमान साहब, मैं आपको कोई झूठी तसल्ली देने नहीं आया, मैं आपसे सच बोलूंगा और सच ये है कि हमें अभी तक कोई भी कामयाबी नहीं मिल सकी। हमने आसपास के कैमरेज भी चेक किए मगर उनमें भी कुछ नहीं आया, इसलिए हम आपके पास आ गए। सर मैं भला आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? क्या कोई छलावा मार गया मेरे बेटे? नहीं नहीं, है तो वो कोई इंसान मगर है बड़ा शातिर जिसने आपके इत्माद का नजायज फायदा उठाया है। आप लोग ये बताएं आपके अलावा और किसको मालूम था कि पैसे अलमारी में पड़े होंगे? सर हम दोनों के अलावा किसी को पता नहीं था। सर जब मैं उस अलमारी में पैसे रख रही थी तो उसके बाद तो घर कोई आया ही नहीं। बाजी चाय? हाँ हाँ सबको दो। जमान साहब इसकी क्या जरूरत थी? आपने बिना वजह तकल्लुफ किया। नहीं सर तकल्लुफ वाली कोई बात। ये लड़की कौन है? क्या ये आपकी मेड है? नहीं सर ये हमारी मेड नहीं है, ये एक गरीब औरत है और जैनब इसकी कभी कभार मदद कर दिए थे। आज हाजरा का पता चला तो उसी का अफसोस कर लिया। अच्छा अच्छा, देखिए हम अपनी पूरी तसल्ली कर रहे हैं, इसके लिए आप भी कोशिश करें कि अपने आसपास जिस पे शक है उसके बारे में हमें आगाह करें ताकि हम केस को मजीद आगे ले जाएं और आपकी कोई बच्ची के कातिलों को पकड़ सकें। इसलिए आपका तामन हमारे लिए बहुत जरूरी है। पुलिस को दस पुलिस? क्यों बीबी क्या हुआ, घबरा क्यों गई? आप लोग यहाँ पे क्या लेने आए हैं? तुम्हारे घर की तलाशी लेने के लिए आए हैं कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आ गए कि तुम इतनी अयाशियां कर रही हो? कौन से पैसे, कैसी अयाशी, मैं कुछ समझी नहीं। सब समझ जाओगी, चलो कमरे की तलाशी लो। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आ गए जो तुम अपने नंबर पर हजार हजार रुपए का लोड करवाती है? सच सच बताओ। वो साहब जी वो क्या वो लगा रखी सीधे तरह से मुंह खोलो। वो साहब जी मैंने गांव बड़ी जरूरी बात करनी थी, बस इसीलिए 1000 रुपए का लोड करवाया था। अच्छा लगता है पूरे साल की बातें एक ही दफा करनी थी तूने। सच बताओ तुमने उनके घर से चोरी की थी ना? नहीं साहब जी मैंने चोरी नहीं की। सच सच बताओ वरना जुबान खुलवाने के हमें और भी बड़े तरीके आते हैं। साहब जी मैं बेकसूर हूँ, मैंने चोरी नहीं की।
फिर कमरे में कुछ भी नहीं है। तुमने अच्छी तरीके से कमरे की तलाशी ली है ना? जी सर, मैंने कमरे का चप्पा चप्पा छान मारा लेकिन कमरे में पैसे नहीं मिले। पैसे यहाँ नहीं है तो किसी और जगह पे होंगे। सच बताओ, कहाँ है पैसे? साहब जी, मैंने क्यों चोरी करनी थी? मैंने चोरी नहीं की साहब जी, मैं बेकसूर हूँ। उन लोगों के पहले ही मुझ पे इतने एहसान है, भला मैं ऐसा क्यों करूंगी उनके साथ? ये बताओ, तुम्हारा शौहर कहाँ है? जरूर वो पैसे लेके दिया होगा कहीं पे। वो काम पे गया साहब जी, आता है तो खुद ही पूछ लेना उससे, मैं उसे सीधा थाने भेज दूंगी। मैं बेकसूर हूँ साहब जी, मैंने चोरी नहीं की। अच्छा, तो तुम बेकसूर हो। देखो बीबी, जुर्म साबित होने तक हम तुम्हें गिरफ्तार नहीं कर रहे, लेकिन याद रखना कहीं इधर उधर भागने की कोशिश मत करना, समझी? चलो। पैसे यहाँ नहीं है तो किसी और के पास है। सर अगर कहें तो इसके शोहर को ढा लेते हैं। ना ना ना, पहले इसकी फोन कॉल्स का डेटा निकलवाओ, ताकि पता तो चले कि इतना लोड करवा कर ये बातें किससे करती थी। जी सर, मैं पता करवाऊँ। पुलिस को मारिया के घर से पैसे ना मिले, क्या पुलिस का अंदाज़ा गलत था और मारिया का कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं था? पुलिस के जानने के बाद मारिया जैनब के पास जा पहुंची ताकि उसे अपने बेगुनाही का यकीन और पुलिस की जानिब से घर पर छापे का बता सके। हाजरा तो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी थी बाजी। हाँ तुम ठीक कह रही हो, जरूर पुलिस को कोई गलत फहमी हुई होगी। बाजी, वो हमारे घर आई, उन्होंने मुझे इतना डराया धमकाया। बाजी बाजी, मैं बेकसूर हूँ, आप समझाएं ना उन्हें बाजी कि मैं बेकसूर हूँ। हाँ हाँ, तुम बेकसूर हो, तुम अंदर जाओ, ये रोना थोड़ा तो बंद करो ना, मैं सामान से बात करती हूँ। मारिया के आंसू देखकर जैनब का दिल पिघल गया और उसने अपने शौहर को फ़ोन करके सारी सूरतेहाल से आगाह किया। जैनब की तरह जमान को भी मारिया पर पूरा भरोसा था कि वो ऐसा घिनौना फेल नहीं कर सकती, इसलिए वो शाम को पुलिस स्टेशन गया ताकि पुलिस से बात कर सके, लेकिन वहां जाकर उसका ये भरोसा टूट गया क्योंकि वहां उसके सामने मारिया से मुतालिक होश उड़ा देने वाला इंकशाफ हुआ। मुझे तो पहले ही शक था इस मारिया का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। लंबी लंबी कॉल्स की लंबी लिस्ट है ये। पर सर, उस शख्स की कत्ल वाले दिन की लोकेशन भी वही है, यानी दोनों वारदात वाले दिन घर में मौजूद। यस, ऐसे ही। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। बैठिए जवान साहब, आप यहाँ पे सब खैरियत है ना? सर, आप मारिया के घर गए थे, मेरी बेटी की कातिल मारिया नहीं है, आपने खामखा उस पर शक किया, बेचारी बहुत परेशान है, बल्कि मेरे घर जाकर मेरी बेगम को भी परेशान कर दिया, इसलिए मुझे यहाँ आना। ओहो, तो वो मक्कार मगरमच्छ के आंसू बहाने आपके घर भी जा पहुंची। जमान साहब देखें, जिसको आप मासूम समझ रहे हैं ना, असल में वो बहुत चलाक औरत है। सर आप पता नहीं क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जवान साहब देखें, उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है। तो सही है, उसका जाती फेल है, और इस बात का मेरी बेटी की कत्ल से क्या लेना देना? लेना देना है जमान साहब, बड़ा गहरा लेना देना है। वो कैसे? देखें जमान साहब, जिस
दिन आपकी बेटी का कत्ल हुआ है उस दिन उन दोनों की लोकेशन आपके घर से मिल रही है। क्या? यस, ये सच है। आप आ गए? और ये पुलिस वाले आपके साथ? इन्हें मैं लेकर आया। और मारिया कहाँ है? क्यों, क्या हुआ? वो किचन में है। मारिया, मारिया! जमान, मुझे बताया तो सही, आपकी बात क्या है? जी जमान भाई। खबरदार, लो अपनी गंदी जबान से मुझे भाई कहा। कोई मुझे बताएगा आपकी बात क्या है? दरअसल जिस दिन हाजरा का कत्ल हुआ उस दिन मारिया भी इस घर में मौजूद थी। क्या? हाँ तो मैं बाजी के घर आती जाती हूँ। क्या साबित करना चाहते हैं आप? क्या मैं कातिल बन गई हूँ? नहीं, ये बात तुम्हें कातिल नहीं बनाती। लेकिन ये बताओ, उस दिन अरसलान तुम्हारे साथ यहाँ पे क्या कर रहा था? कौन अरसलान? मैं नहीं जानती किसी अरसलान को। अच्छा, बड़ी चलाक औरत हो तुम, और जिसके साथ घंटों फोन पे बातें करती है उसका तू नाम भी भूल गई। बोलो। अरे ही सौरभ, हमने तुम्हारा ख्याल रखा और तुमने हमारी बच्ची को मार डाला। क्यों मारा? ये सब क्या कह रहे हैं? हाजरा को तुमने मारा है? बोलो मारिया, बोलती क्यों नहीं? बोलो। मुंह खोलती हूँ या कोई और तरीका इस्तेमाल करे? मैंने तो हाजरा को मारा। तुम्हें हमारे साथ थाने जाना होगा। चलो। जब ये मालूम हो चुका कि कातिल तुम दोनों ही हो तो आखिर क्या वजह थी? तुम दोनों ने 10 साल मासूम ननी बच्ची को कत्ल कर दिया। थोड़ा सा भी रहम नहीं आया उस पर? आखिर क्या वजह थी? कैसे शुरू हुई तुम्हारी प्यार मोहब्बत की कहानी? इस नापाक रिश्ते की बुनियाद किसने रखी? बोलो। गला दबाते वक्त तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? तुमको जरा रहम नहीं आया? बोलो। इस ताल्लुक की शुरुआत मैंने की थी। लेकिन क्यों? तुम तो शादीशुदा हो। शादीशुदा होने के बावजूद तुमने ऐसा कदम क्यों उठाया? कैसी शादी सर? जब आपके शोहर को आपके हकूक का ख्याल ही ना हो, इसीलिए मैंने अरसलान से दोस्ती में पहल की थी। दोनों के दरमियान जो रिश्ता बना वो तुम्हारा जाती फेल था। लेकिन बात उस बच्ची के कत्ल तक कैसे पहुंची, बताओ? सर, एक दिन अरसलान घर पर आया तो इसका सर फटा हुआ था। इसकी बहुत बुरी हालत थी। वो क्यों? सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। बहुत बड़ी गलती हो गई थी मुझसे। तुम दोनों को उस नन्ही जान पर जरा भी तरस ना आया? ऐसे जाले हो तुम? सर, हाजरा को इसने कत्ल किया। मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया था। अपनी बकवास बंद करो। कत्ल की प्लानिंग में तुम बराबर की शरीक हो। सर, सर मुझे माफ कर दे। सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। सर माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। काश तुम दोनों ने उस दिन उस ननी मासूम बच्ची को छोड़ दिया होता और उसका कत्ल न किया होता तो आज थाने में तुम सिर्फ चोरी की वारदात में होते, कत्ल की वारदात में नहीं। मगर तुमने जो जुर्म किया है, जुर्म की सजा सजाए मौत।